नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। और पुलिस थाना प्रांगण में जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के द्वारा दलीय आंदोलन में सम्मिलित होने जा रहे किसानों की मीटिंग मंगलवार को 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली, नहीं बनी कोई सहमति। 2 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे गरसौंदी गुरुद्वारे पर चिनोर तहसील क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर अपना 6 महीने का राशन पानी बांध कर डबरा होते हुए निजी साधनों से कृषि बिल कानून का विरोध करने दिल्ली के लिए होंगे रवाना। किसान सुरेंद्र सिंह सिद्धू, राजपाल सिंह उर्फ रिंकू गुर्जर, मलविंदर साहब सिंह, रेशम सिंह आदि किसानों ने बताया कि प्रशासन हम पर दबाव बना रहा है, आप दिल्ली नहीं जाओगे लेकिन हम किसानों से हटाना है, हम दिल्ली जाएंगे चाहे जाने क्यों ना चली जाए। संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? और थाना प्रांगण में आज किसानों की बैठक किस लिए बुलाई गई? आज प्रशासन ने कलेक्टर, SP, SDM और सारे अधिकारियों के बीच में जो है किसानों को बुलाया, जिसमें हमारे ऊपर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप यहां से नहीं जाओगे, जाओगे तो रास्ते में आप लोगों को रोक लिया जाएगा और आपको दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि चाहे हमारे ऊपर ये पानी की बौछारें करें, चाहे हम पे लाठी चलाएं, चाहे गोली चलाएं, हम शांतिपूर्वक किसान संगठन के सारे मतलब पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे कल, और कल 11 बजे जो है गुरुद्वारा बरसौंदी से प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जो है जगह जगह से जो किसान बंधु है, सारे लोगों से निवेदन है और बेनती है कि सारे किसान जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली जाने के लिए जो है अपने अपने साधन ले कर निकलें, जिसमें राशन पानी और सारी चीज़ सोने बैठने उठने का सामान सारा ले कर साथ में चले।